नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कितने मुकदमे लड़े हैं तो आपका जवाब होगा 100, 200 या 500। लेकिन आज हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन काल में लगभग 2600 मुकदमे लड़े। इस आदमी ने अपनी माँ तक को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया था। तो आइए इस आदमी के बारे में विस्तार से जानते हैं। आइए आपको मिलाते हैं अमेरिका के जोनाथन ली रिचेज से। ये दुनिया का अजीबोगरीब इंसान है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमे लड़ने वाला इंसान कहलाता है। इसने सबसे पहला मुकदमा अपनी माँ के खिलाफ दर्ज करवाया कि माँ ने उसका पालन पोषण अच्छी तरह नहीं किया। वह केस जीत गया और उसे $20,000 का मुआवजा मिला। उसने अपने दोस्त, अपने उस्ताद, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों, अपनी मंगेतर, पुलिस, जज, मशहूर कंपनियों, यहाँ तक कि जॉर्ज बुश पर भी मुकदमे किए। अलग अलग अदालतों में उसकी तरफ से दाखिल किए गए मुकदमों की संख्या 2600 के करीब है। उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। फिर उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के खिलाफ ही मुकदमा ठोक दिया कि उसकी इजाजत के बिना उसकी जाति जिंदगी के संबंध में क्यों लिखा। यह आदमी मुकदमों में हर्जाने और मुआवजे में $800,000 के करीब जीत चुका है। उसे एक टीवी शो में बुलाया गया। उसने इंतहाई दुख और रंज के आलम में शो वालों से सवाल किया कि क्या वजह है कि इतनी शोहरत के बाद भी मैं अकेले जिंदगी गुजार रहा हूँ, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है। टीवी शो वाले इस बात पर हंस पड़े और काफी देर तक हंसते रहे। वह टीवी शो छोड़कर उठा और अपनी बेइज्जती के लिए टीवी चैनल वालों पर मुकदमा कर दिया। $50,000 उधर से भी अर्जाना मिला।